हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शो नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका एक बार फिर से शव नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पोर्शन फॉर योर जेके एस एस बी फाइनेंस इंस्पेक्टर एग्जाम ठीक है भाई जेके एस बी एग्ज़ाम में आपका कम्प्यूटर एप्लीकेशन जो है वो आपका बारह नंबर का है आपके सिलेबस में दिया गया तो हम लोग इस वाले वीडियो सेशन में बारह क्वेश्चन अच्छे से डीप एनालिसिस करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लैनेशन ताकि जो जो क्वेश्चन हैं जिस टॉपिक से हैं उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से एलोबरेट करके पढ़ सकें ठीक है एक चीज़ बता दूं आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे शॉर्टकट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा नहीं डाला है बाकी सारे पोर्शन मैंने इसमें आपके कवर करवा रखे हैं क्योंकि एक्सेल एंड शॉर्टकट एब्लिवेशनस वो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पहले ही कर चुके हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन uh, की जाके प्ले चेक कीजिएगा कंप्यूटर अवेयरनेस थर्टी फाइव प्लस लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे तो वो वहाँ पे आप जाके टॉपिक वाइज रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है तो आओ अटेम्प्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट फोर इसके बाद हम लोग मेंटल एबिलिटी का भी मॉक टेस्ट आज ही करेंगे वो भी देखना नहीं भूलना कल सुबह मॉर्निंग में आपकी एक क्लास होगी वो होगी आपकी जी के विथ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जिसमें हम लोग फिफ्टी एम सी की करेंगे ठीक थी, है भाई फिफ्टी एम सी यूज़ आपका थर्टी सिक्स नंबर का है जी के वाला पोर्शन तो उसमें हम लोग फिफ्टी एम सी की डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी पूरी जी के को हम रिवाइज़ कर लेंगे आई थिंक वो एक घंटे का लेक्चर रहने वाला है तो वो मिस आउट नहीं कीजिएगा क्लियर है तो इस लेक्चर की पी पी टी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा प्लस वहाँ पर आपको पिंड कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा वहाँ पर भी आप हमारे साथ साथ जुड़ सकते हैं ठीक है डेली करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं प्लस जेके या फिर यू की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग हमारा एक्स अकाउंट जरूर से ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पे डेली आपको डिटेल थ्रेड्स मिल जाते हैं कोई डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं चलिए आए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़े थे ठीक है एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर ये तीन तरह के कंप्यूटर आपको बताए थे उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन uh, हम लोगों ने की थी किस बेसिस पे साइज के बेसिस पे मेन फ्रेम मिनी माइक्रो सभी चीज़ें अभी रिवाइज करवाऊंगा आपको फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस कीजिए पूछा गया है आपसे हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके कंबाइंड uh, प्रॉपर्टीज किस किस की होती है माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर की मिनी एंड सुपर कंप्यूटर की मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर का एनोलॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के देखिए भाई के पास एक आता है एनालॉग कंप्यूटर ओके, दूसरा आता है आपके पास डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर क्लियर? तीसरा आता है आपके पास है, computer, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए पहला आपका जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये आपका क्या है ओल्ड आउटडेटेड कंप्यूटर्स होते हैं ठीक है थीके? याद रखना है आपने ओल्ड आउटडेटेड कंप्यूटर्स ठीक इनका काम क्या होता था ये आपको याद रखना है ओल्ड आउटडेटेड कंप्यूटर्स तो होते हैं ये कैलकुलेट करते हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को क्लियर क्या कैलकुलेट करते हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को ओके फिजिकल क्वांटिटीज को ये आपकी कैलकुलेट करता है कौन भईया आपका एनालॉग कंप्यूटर्स नेक्स्ट आपके पास है डिजिटल कंप्यूटर uh, ये आपका बाइनरी यूज करता है बाइनरी लैंग्वेज आपकी यूज करता है कौन आपका डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज किसके लिए यूज़ करता है आपकी प्रोसेसिंग के लिए क्लियर है ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग डिजिटल ये आपका डेटा को स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स तो ये आपको डिजिटल नाम से ही पता चल रहा होगा ठीक है भाई तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कौन सा दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये आपका uh, इसमें आपकी दोनों प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है एनालॉग कंप्यूटर की भी प्लस डिजिटल कंप्यूटर की भी ठीक है डिजिटल और हाइब्रिड की दोनों की जब क्वालिटीज को हम लोग एक साथ एक सिस्टम में एड ऑन कर दें तो वो हमारे पास हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है समझ आई चलिए अब चलते हैं एनोलॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर चलिए आए अगले सवाल पे विच ऑफ द फॉलोइंग यूज हैंड हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है सुपर कंप्यूटर लैपटॉप या मेन फ्रेम कंप्यूटर या पीडीए यस yes. तो ये आप सभी को पता है भाई इट्स पीडीए ठीक है पीडीए जो है ये आपका हैंड हेल्ड प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर्स दे रखे हैं आपके पास सुपर कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है फास्टेस्ट यस फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है तो याद रखना आपने प्रत्यूष एंड मिहिर ओके okay? प्रत्यूष एंड मिहिर ओके okay? अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई इंडिया का फर्स्ट की बात करूं तो वो आपको याद रखना है परम ईट हंड्रेड ओके परम 800 जो है ये हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का ठीक है अब अगर आपसे मैं बात करूं लैपटॉप ठीक है ये लैपटॉप का आपको बोला गया है यहां पे लैपटॉप आपका माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है ठीक है याद रखना है आपने ये माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है आपका लैपटॉप जो हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो किस में आता है आपके पास दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है ठीक है पर्सनल कंप्यूटर्स की कैटेगरी अलग से है उसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो आप जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ठीक है याद रहेगा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपको याद रखना है सिंपली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं ठीक है गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो यूज होते हैं वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पी डी है डी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है भाई चलिए आए अगले सवाल पे अगला सवाल आपसे पूछा गया अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स इनमें से कौन सा टर्मिनल है जो आपको इमेजेस भी साथ साथ में टेक्स्ट भी आपको डिस्प्ले करता है टेक्स्ट डम ग्राफिकल या फिर इनमें से कोई भी नहीं कौन सा टर्मिनल है जो आपको इमेजेस के साथ साथ टेक्स्ट भी डिस्प्ले करता है तो वो आप सभी को पता है भाई इट्स ग्राफिकल ओके ग्राफिकल जो होता है इसमें आपको इमेजेस के साथ साथ टेक्स्ट भी डि डिस्प्ले होती हैं इमेजेस प्लस टेक्स्ट ठीक है यहाँ पे आपको आ, टेक्स्ट तो दिख रहा है ये खाली टेक्स्ट करता है इमेजेस नहीं करता ये आपका ठीक है डम टर्मिनल अभी डम टर्मिनल के पे ऊपर क्वेश्चन है वहाँ पे आपको बताऊंगा ग्राफिकल आपको समझ आ गई जहाँ पे इमेजेस प्लस आ, टेक्स्ट प्लस टेबुलर फॉर्म ओके टेबुलर फॉर्म भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है भाई ठीक है तो ये सभी आपने याद रखना है रिगार्डिंग वॉट ग्राफिकल टर्मिनल ठीक है ग्राफिकल टर्मिनल चलिए आए अगले सवाल के ऊपर भाई चलिए क्वेश्चन फोर्थ लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन रेंज बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो आपकी uh, किस uh, के बीच में रहती है आठ एंड सोलह बिट्स के बीच में एट एंड ट्वेंटी वन बिट्स के बीच में एट एंड ट्वेंटी फोर बिट्स के बीच में एट एंड थर्टी टू बिट्स के बीच में तो माइक्रो कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो आपकी आठ से लेके बत्तीस बिट्स के बीच में फॉलो uh, करती है ये आपने याद रखना है ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है आठ से बत्तीस बिट्स के बीच में रहती है वर्ड लेंथ आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की ठीक है माइक्रो कंप्यूटर्स याद रखना है आपने क्लियर चलिए आई अगले सवाल पे भाई द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर ठीक है फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स कौन से होते हैं ये आपसे पूछा गया है सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर यस कौन सा होता है भाई देखो पहली चीज सुपर कंप्यूटर जो आपके होते हैं ये किसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं किसी जनरल पर, जनरली स्पेसिफिक पर्पज के लिए ठीक है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कंप्यूटर हम लोग बनाएं जिस उसको यूज करें तो वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर जैसे कि वेदर फॉरकास्ट के लिए ठीक है वेदर फॉरकास्ट आप लोगों को चेक करना होता है तो वो आपका कौन करता है सुपर कंप्यूटर करता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्राफिक डिज़ाइन के लिए ठीक है ग्राफिक डिज़ाइन के लिए भी आप कौन सा यूज करते हैं भाई दैट इज आपका सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं क्लियर है यहाँ आपसे पूछा क्या गया है फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर आपको कौन सा देखने को मिलता है तो वो है आपका भाई सुपर कंप्यूटर ही है ठीक है भाई सुपर कंप्यूटर ही है आपका जो फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव है अभी सुपर कंप्यूटर की हमने बात की थी फास्टेस्ट uh, कंप्यूटर uh, आपको कौन सा देखने को मिलता है uh, इंडिया का फर्स्ट uh, वाला तो वो प्रत्यूष एंड मे हमने बात की थी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था परम एट देखने को मिला था आपको ठीक है तो ये आपने याद रखना है हाँ अगर वर्ल्ड की बात करूँ ठीक है वर्ल्ड की बात करूँ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का मैं आपसे पूछूँ तो वो कौन है यस तो इट्स क्रे सीडीसी डी सी, सी, सिक्सटी सिक्स हंड्रेड ओके ये भी आपने याद रखना है ये यूएस का है क्लियर ठीक है भाई याद रहेगा चलो अब चलते हैं अगले सवाल की चलिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा पूछा गया गया भाई computer, uh, yes, अब आपसे है है इनमें से से कौन टाइप का कंप्यूटर जो छोटा भी है और फास्टेस्ट भी है जो इमिटेट करता है आपकी ब्रेन वर्किंग को सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर या इट्स क्वांटम uh, कंप्यूटर ठीक है क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो आपकी क्वांटम फिजिक्स जैसी हो गई तो ये आपका uh, जो साइज होता है ये स्मॉल साइज में होता है आपका और फास्टेस्ट uh, होता है ये ठीक है सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके रूम के साइज का होता है वो काफी बड़ा कंप्यूटर होता है बट जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ये साइज में छोटा और काम बहुत तेज करता है ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग क्वांटम कंप्यूटर क्लियर क्वांटम कंप्यूटर क्लियर चलो डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा इनमें से कौन सा टर्मिनल है जो आपका डेटा को प्रोसेस भी नहीं करता और डेटा को स्टोर भी नहीं करता डम इंटेलिजेंट बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो ये नाम से ही आपको लग रहा है डम्प टर्मिनल डम टर्मिनल क्या करता है जो हम बोलते नहीं जो कुछ भी नहीं करता उसको क्या बोलते हैं ये कितना डम्ब आदमी है तो ये कोई डम्प टर्मिनल है या आपका डेटा जो है डेटा को स्टोर भी नहीं करता आपका ठीक है डेटा की डेटा को स्टोर भी नहीं करता है ये और उसके बाद डेटा का प्रोसेस भी नहीं करता क्योंकि इसका नाम से ही आप लोग पढ़ सकते हैं दैट इज़ अ डम्ब टर्मिनल डम्प मतलब जो थोड़ा बहुत तो ड हो ठीक है भाई क्लियर समझ आई ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर दैट इज डम टर्म, टर्मिनल इंटेलिजेंट होता तो भाई साहब ये सारे काम करता इंटेलिजेंट में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ठीक है लास्ट दो क्वेश्चन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं आपको वहां पे ए आई क्या चीज़ है उसके बाद एम क्या चीज़ है उसके बाद डी क्या चीज़ है ये सभी चीज़ें मैं समझाऊंगा ठीक है चलिए आए हाँ, अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या क्या भाई यूजर जनरली डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर जनरली क्या अप्लाई करता है मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए नोड अप्लाई करता है टर्मिनल अप्लाई करता है डेस्कटॉप या फिर इनमें से कुछ भी नहीं तो यूजर आपका जो है वो जनरली अप्लाई करता है आपका टर्मिनल ठीक है क्या टर्मिनल को अप्लाई करता है वो एक्सेस करने के लिए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को क्लियर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलिए डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स और आल्सो नोन एज डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं ये आपके कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर बिल्कुल नहीं क्वांटम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर अभी मैंने आपको ये ऊपर समझाया था तो इट्स माइक्रो कंप्यूटर ठीक है भाई माइक्रो कंप्यूटर जो आपके पीसी होते हैं आपके लैपटॉप्स होते हैं ठीक है आपकी नोटबुक्स होती हैं जो ठीक है ये सभी में आते हैं भाई आपके दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स में ठीक है ये माइक्रो कंप्यूटर में फॉल करते हैं और ये आपके जनरल पर्पज के लिए यूज uh, होते हैं जनरल पर्पस के लिए आप इनको यूज करते हैं क्लियर है ठीक है चलो आओ अगले सवाल के ऊपर ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दे आर डैश टेक्स एंड डम्प टर्मिनल डम्प एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड या इनमें से कोई भी नहीं देखो ग्राफिकल टर्मिनल पहली चीज हमने अभी बात करी थी ग्राफिकल टर्मिनल जो है वो आपको इमेजेस के साथ साथ टेक्स्ट uh, को भी दर्शाता है ठीक है इमेजेस एंड टेक्स्ट दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं किसमें आपके ग्राफिकल टर्मिनल में अब इन्होंने बोला है कि जो ग्राफिकल टर्मिनल है वो आपका दो टाइप्स का होता है तो कौन कौन है इसके दो टाइप टेक्स्ट एंड डम टर्मिनल है डम्प एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल है वैक्टर मोड एंड रेस्टर मोड है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है तो इट्स वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड ठीक है भाई वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड आर द टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक टर्मिनल क्लियर है या ये अपने याद रखना है चलिए आए अगले सवाल के ऊपर यस विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एआई के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है फोर्ट्रॉन कोबोल सी प्रोलॉग देखो यहां पे आपको पहली चीज पता क्या होना चाहिए कि लैंग्वेजेस होती कौन कौन सी हैं दो प्रकार की आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं एक आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज ओके एक होती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है ये दो प्रकार की आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती है ठीक है जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है ये आपकी क्या होती है भाई मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है ठीक है मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी ठीक है भाई नेक्स्ट जो आपकी हाई लेवल है ये आपकी सिंपल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है सिंपल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है ये आपकी सूटेबल होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है ठीक है भाई और नेक्स्ट आपके पास जो लो लेवल लैंग्वेज है ये आपके फर्दर दो प्रकार की होती है एक आपके पास आती है असेंबली लैंग्वेज क्लियर असेंबली लैंग्वेज नेक्स्ट दूसरी आपके पास आती है भाई कौन सी दैट इज मशीन लैंग्वेज नाम से ही ये आपको मशीन ओरिएंटेड होती है मशीन लैंग्वेज तो ये दोनों आपने याद रखने हैं लो लेवल में ही आती है असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज ठीक है ये आपने याद रखना है ठीक है भाई क्लियर अब आ जाए वापस ए जो है ये आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज करती है फोट्रॉन यूज करती है ठीक है या फिर आपकी कोबोल यूज करती है या फिर आपकी सी यूज करती है या फिर आपकी प्रोलोग यूज करती है यस yes. तो कोबोल जो है ये आपकी ठीक है ये आंसर रही है कोबोल जो है ये आपकी बिजनेस लैंग्वेज है क्या है ये बिजनेस लैंग्वेज है ये आपने याद रखना है बिजनेस लैंग्वेज इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक है भाई फोट्रॉन क्या है ये फॉट्रॉन आपको यहां देख रहा होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन ठीक है भाई फॉर्मूला ट्रांसलेशन कोबोल जो है ये आपका जहां पे आपको छोटे मोटी प्रोसेसिंग चाहिए हो लिटिल प्रोसेसिंग हो जहां पे तो वहां पे यूज होती है क्या आपकी Uh, कोबोल अगर फोट्रॉन की बात करें यहाँ पे आपको क्या है जहाँ पे आपको लार्ज प्रोसेसिंग का डेटा हो लार्ज प्रोसेसिंग करनी हो तो वहाँ पे आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है भाई फोट्रॉन यूज होती है तो ए में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी तो येस इट्स अ प्रो लैंग्वेज ओके प्रो लोग लैंग्वेज जो है ये आपकी यूज़ होती है किसमें आपके ए में दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियर चलिए आए अगले सवाल पे इंपॉर्टेंट वन हु द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपकी किसने कॉइन करी चार्ल्स बेबीज ने एलन ट्यूनिंग ने वॉन न्यूमन ने जॉन ने मैकेस yes, किसने करी है आपकी ए आई जो है ये आपका किसने कॉइन करा है ये आपसे पूछा गया है यस yes, बताइए भाई <coughs> तो चलिए इट्स ऑप्शन है डी जॉन मैकेर्थी मैकेर्थी ठीक है भाई जॉन ने आ, आ, टर्म कॉइन करी मैके आई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं वक्त है 2022 का कहा पहुंच गए हम वक्त चल रहा है 2022 जब हमारी ए आई जो है ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ जाती है किसमें मेन स्ट्रीम में ठीक है मेन स्ट्रीम में आ जाती है किसके द्वारा मेन स्ट्रीम में आती तो है बट वो एक एप्लीकेशन आती है एआई की एक एप्लीकेशन आती है ठीक है एप्लीकेशन के साथ वो मार्केट में आती है और वो छा जाती है तो एप्लीकेशन का नाम क्या होता है सर जीपीटी ठीक है जीपीटी ये आपका आ, आ, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था जीपीटी की फुल फॉर्म तो इट्स जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर ओके जेनरेटिव ओके जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर ओके ये आपने याद रखना है जीपीटी की फुल फॉर्म ठीक है भाई 2022 का टाइम है जीपीटी आ जाती है हेडलाइंस में न्यूज में आ जाती है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है क्या चीज भाई साहब ओपन ए की चैट जी जो आपका कंट्रीब्यूट करती है किसमें प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपकी ए टेक्नोलॉजी में जहां पे ये एक स्मॉल पोर्शन है किसका ए टेक्नोलॉजी का इसमें जो हम यूज कर रहे हैं बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली ए चीज क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें ये चीज क्या है ये नथिंग uh, ये एक कंप्यूटर की एबिलिटी है जो एक रोबोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर को कोई काम करवाने में जो काम पहले ह्यूमंस कर सकते थे ठीक है जो काम ह्यूमंस करते थे अब ह्यूमंस की जगह कौन कर रहा है रोबोट कर रहे हैं किसकी मदद से विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर ओके विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर तो वो आपकी क्या हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है भाई अब इंसान की जरूरत ना पड़ के यहां पे आपकी इसके द्वारा काम हो रहा है तो वो हो जाती है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है क्या है सर एक सबसेट है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसको हम लोग बोलते हैं एमएल ठीक है भाई क्या बोलते हैं एमएलएल मतलब कि मशीन लर्निंग ओके मशीन लर्निंग ओके okay भाई अब देखो पहले क्या हुआ करता था इंसान इंसानों से सीखता था और उनके साथ काम करते थे आगे वो इंसानों को सिखाता था अब आपकी ऐसी एआई की टेक्निक्स आ गई हैं इंसानों को टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है सीधा अपना सिस्टम खोलना है एआई को एक प्रॉम्प्ट देना है एआई आपको सारी चीजें आपके पास प्रोवाइड कर देगा बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे में क्लियर है याद रही गई तो इट्स एम अब इंपॉर्टेंट वन एक और आपके पास आती है भाई ठीक है तो वो है आपके पास कौन सा दैट इज डीएल ठीक है डी एल क्या है सर इट्स डीप लर्निंग ओके डीप लर्निंग ये भी आपको याद रखना है डीप लर्निंग अब डीप लर्निंग क्या है ये भाई ये आपकी ये वो टेक्निक है ए की जो आपको एनेबल करता है किसके लिए ऑटोमेटिक लर्निंग के लिए किसके लिए ऑटोमेटिक लर्निंग के लिए ठीक है इसमें क्या है बहुत सारी ऑब्जॉर्बेशन हो रखी होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर डेटा की जैसे टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस ये आपको डीप लर्निंग से मिल जाएगा डीप ए भी इसको कहते हैं ये आपने याद रखना है इमेजेस आपको मिल जाएंगी यहां डीप लर्निंग से उसके बाद आप जो फोटोशॉप करते हैं टेक्स्ट हो गई आपकी वीडियोस हो गई आपकी तो ये सब आप डीप लर्निंग से सीख सकते हैं तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है रिलेटेड एआई क्लियर है भाई ठीक है याद रहेगा ये सब चीज़ें आपको तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस इसकी पीपीटी विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी कहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है भाई तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग तब तक आप अपना ख्याल रखें पढ़ते रहें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा प्लस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके इस वीडियो के माध्यम से ठीक है भाई तो चलो लेता हूँ आपसे अब अलविदा आप अपना ख्याल रखें पढ़ते रहें गॉड ब्लेस यू कीप लर्निंग कीप शेयरिंग